बिस्मिल्लायर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है होपफुली कि आप लोग ठीक ठाक होंगे खुशपाइश होंगे तो जी यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है मैं यहाँ पर जो है मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है और आटा छान रही हूँ लेकिन आटा छानते छानते अक्सर क्या होता है कि आटा हमारा घिर जाता है और ये तो अल्लाह ताला की नेमत है इसको ज़ाया होने से बचाना है और गिरे भी ना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है कपड़ा आपने ज़रूर बिछा लेना है और दूसरी बात ये है कि आपने आटा गूँने के लिए कोई सा भी जब बाउल लेना है या कोई भी आपने बर्तन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आप गिलास में ना आप आटा लें और आटे को उस गिलास को आपने छन्नी के ऊपर रखना है डायरेक्ट अब जब आटा डालते हैं ना तो वो आटा जो है वो फैल जाता है और इस तरह ये फैलेगा नहीं और जो आटा है ना वो बहुत ही इजीली और जब हम इस तरह गिलास को मूव करेंगे तो आटा हमारा गिरेगा नहीं अल्लाह के जो रिस्क है वो ज़ाया नहीं होगा तो बहुत सी लेडीज़ और बहुत सी जो गर्ल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि आटा छानते हुए गिरता है तो होपफुली आपका ये मसला हल हो गया होगा और आटा आप जब भी आप गूंदें और छानें तो उसको इस तरीके से आपने छानना है ताकि आटा गिरे ना अगर टिप अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आ, टिप की तरफ नेक्स्ट टिप क्या है जी हमारी वो भी बड़ी अच्छी है नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी टाइम सेविंग टिप है आपने तीन पेड़े लिए हैं लेने हैं और उसके ऊपर घी लगाना है इससे क्या होगा रोटी नरम होगी चिपकेगी नहीं तो क्या आपने कभी तीन रोटियां एक साथ बनाई हैं नहीं बनाई होंगी तो चलिए आज आपको टाइम को बचाते हुए मैं आपको तीन रोटियां एक साथ बनाने का तरीका बताऊंगी ताकि आपके टाइम की बचत हो और रोटियां एक साथ तीन तवे पर बन जाए और हमने बड़ा सा तवा नहीं लेना बल्कि छोटे से तवे पर अपने घटव के तवे पर हमने ये सारा काम करना है अच्छा जी मैंने यहाँ पर इन तीनों रोटियों को आटा लगाया और थोड़ा सा घी लगाते हुए इनको बहुत आज ते से मैंने बेल लिया और बेलने के बाद तीनों रोटियों को मैंने तवे पर शिफ्ट कर दिया और हमने हल्की आंच रखनी ज़्यादा तो तेज़ नहीं रखनी ताकि वो चिपके ना अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जिस 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 तरह ये पक रही है ना उस तरीके से ये अलहदा होना स्टार्ट हो गई हैं और ये इस तरह अलहदा होते होते हमने इनको अलट पलट करते रहना है और ये हमारी तीनों रोटियाँ एक साथ पक रही हैं तो बस जो हिस्सा हमारा कुक होता जा रहा है उस हिस्से को हम पलट के नीचे ले आएंगे फ्लिप करके और बाकी इस तरह दूसरी रोटी को फिर दोबारा से हम तवे के ऊपर रख के अच्छी तरह इसको गर्म करेंगे और सेकते जाएंगे साथ साथ एक और टिप है जो न्यू पकाने वाली लड़कियां हैं जो बेगिनर्स हैं और वो उनको ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पकाने में तो वो क्या करेंगी या तो वो पराठों वाला तवा लें उससे बहुत आसानी से पका सकती हैं क्योंकि अभी वो उल्टे तवे पर पकाना ज़रा मुश्किल होता है वो एक्सपर्ट लोग ही बना सकते हैं तो लेकिन जो लड़कियाँ नई नई सीखती हैं और उनको रोटी पकाने में प्रॉब्लम आती है तो वो एक तो वो सीधा तोा लेंगी पराठों वाला या तो आप रुमाल का कोना इकट्ठा करके उससे रोटियां सेंकेंगे या तवे को पीछे से थोड़ा सा हटा के जिस तरह की आपको वीडियो में नजर आ रहा है उस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना रोटी को हीटअप करते जाए और रोटी जो है हमारी पकती चली जाएगी तो ये स्पेशल टिप है उन लड़कियों के लिए जो नया खाना बनाना सीख रही है होपफुली ये आपको आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो चैनल को करने सब्सक्राइब और लाइक और चले आया बढ़ते हैं उस एक इस्लामी जो है वजीफा मैं आपको साथ साथ बताती ही चलूँ कि समटाइम हमारे दिल में बहुत सी परेशानियाँ बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं तो बस ये छोटा सा अमल आपने करना है ग्यारह बार सुबह ग्यारह बार शाम तो बस उसको आपने दुरुद इब्राहिमी साथ में लाजमी पड़ना है तो इन शी आप घर को लेकर मकान को लेकर कराई को लेकर कर्जे को लेकर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना दुनियावी तो वो इन शाह तला पाक ज़रूर हल करेंगे और बस अल्लाह तला पे यकीन अल्लाह ताली पे तबक्ल करना है और ये सूरतम की आयत नंबर एक सौ चौदह है और यह आप कुरान पाक खुलेंगे तो आपको इनशाल्ल्ल्ला से मिल जाएगी और और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में अल्लाह हाफिज